झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही अपने घोषणा पत्र के साथ साथ उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में 40 से 50 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कर सकती है। इस लिस्ट में उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे जहां पार्टी पिछली बार चुनाव हार गई थी या फिर जहां बहुत ही कम मार्जिन से जीत मिली थी। कुछ दिनों पहले केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि पार्टी अपनी पहली सूची 10 अक्टूबर से पहले जारी करेगी। इस दौरान चुनाव समिति की बैठक भी होगी। जानकारी के अनुसार सितंबर की अभी एक दिन बाकी है। हो सकता है कि बीजेपी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दे। अगर पार्टी ऐसा नहीं करती है तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी कर देगी। बीजेपी महामंत्री और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि बहुत जल्द हमारा घोषणा पत्र सामने होगा। हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश नेता के बीच चर्चा हुई है और जल्द ही हमारी घोषणा भी हो जाएगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि अन्य पार्टियों से पहले अपने कैंडिडेट उतार कर बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना चाहती है। जितनी जल्दी उम्मीदवार का नाम तय होगा उस उम्मीदवार को जनता के बीच जाने का उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। इसके अलावा जिन कैंडिडेट का नाम कटेगा उनके पास भी पर्याप्त समय रहेगा ये सोचने समझने का कि उन्हें बीजेपी में ही रहना है या अन्य दल में शामिल होना है।